हेलो एवरीवन, मैं से पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टेंस की क्लास। तो टेंस की ये पहली क्लास है, मेरी पहली क्लास है, तो मैं आपको जितना डिलीवर हो सकता है उतना डिलीवर करूंगा, और इतना या प्रोमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंस, पहला हेडिंग पड़ी हुई है टेंस। तो टेंस के बारे में पहले से ही आपको पता होगा कि टेंस होता क्या है। तो टेंस समय को कहते हैं। तो यहाँ पे काल जैसे लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे वो होता है कि अंतर पर विभेद नहीं कर पाते कि काल और समय क्या है। तो काल जो है वही समय है, और जो समय है उसी को काल कहते हैं। और टेंस का 3 प्रकार होता है, आपने 5th क्लास से पढ़ा होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट वर्तमान की स्थिति को कहते हैं, पास्ट भूतकाल की स्थिति को कहते हैं, और फ्यूचर भविष्यकाल की स्थिति को कहते हैं। यानी 5th क्लास से ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसको मैंने लिख दिया है, बस ये बताने वाली चीज़ें नहीं थी। उसके बाद आगे ये भी आप, यानी अगर 8th में 9th में पढ़े होंगे तो यहाँ पे इतना तक आपको पता चल गया होगा कि हर एक टेंस का जो 4 प्रकार होता है। यानी यहाँ तो 3 प्रकार हो गए, पहला प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा फ्यूचर। लेकिन इसके बाद इन तीनों का भी 4 पार्ट होता है जो अलग अलग होते हैं, यानी 12 मिला के हो जाते हैं। पहले तो टेंस का बेसिक जो होता है वो 3 पार्ट होते हैं, फिर तीनों के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। तो कुल मिला के इसका 4, फिर इसका 4, फिर इसका 4, यानी 4 और 4 8 और 4 12, यानी कुल मिला के 12 टेंसेस हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें हमें सेंटेंसेस बनते मिलते हैं कि कोई काम कर रहा है, कोई काम कर चुका था या चुकी है। तो यानी वो पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट की बातें होती हैं। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट का लेकर, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। अब मैं बता दूं कि प्रेजेंट का जो 4 पार्ट होता है वो यहाँ पे लिख तो नहीं लिखूंगा नहीं मैं भी पहला लिखा है मैंने, उसके बाद यहाँ पे डिटेल बताऊंगा, इसलिए आगे नहीं लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं इसका ओरली बता दे रहा हूँ। तो पहला आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, वो दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका यहाँ पे पहला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटन है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वर्तमान अनिश्चित काल। अब अनिश्चित काल वर्तमान, तो वर्तमान आपने वही की बेसिक से पढ़ा होगा कि पहले जब डेफिनेशन ही पढ़ी होगी टेंस की, तो वहाँ पे जब प्रेजेंट पढ़ा होगा तो तभी आपने पढ़ा होगा कि वर्तमान होता क्या है। तो वर्तमान जो स्थिति होती है, यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान में ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए वर्तमान है। और अनिश्चित काल जिसमें कोई चीज़ें जब डिफाइन नहीं होती हैं, या निश्चित नहीं होती हैं, या पता नहीं होती हैं, या ज्ञात नहीं होती हैं, तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित हो। और काल आपका समय हो गया, उसे हम टेंस कहते हैं। तो इनडेफिनिट क्या हो गया, अब डिफाइन पहले सुन लो, डिफाइन होता क्या, डेफिनेट चीज़ें क्या होती हैं। जैसे बचपन से आपको पता होगा कि सूर्य के अराउंड, यानी सूर्य के चारों ओर आपका जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है, तो ये चीज़ें डिफाइन है, ये सभी को पता है, यानी सारे लोगों को पता है, तो उसे हम डेफिनेट कह देते हैं, निश्चित कह देते हैं। अब यहाँ पे बारी है अनिश्चित लिखा हुआ है। अगर हम उसी का उल्टा कहें तो, यानी पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रही है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना, और कोई तो कहेगा नहीं। तो मैंने क्या कहा, ये बातें अनिश्चित हैं आपके लिए, क्योंकि वो मेरे द्वारा आपने सुनी, मेरे मुँह से सुनी, तो ये अनिश्चित है। औरों के मुँह से आप सुनेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। तो यहाँ पे अनिश्चित आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद अब मैं आपको इसको एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो सेंटेंस के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। अब इसका जो बेस होता है वो कैसे होता है, यानी जैसे कुछ जैसे होता है ना, 2 बोर्ड चलते हैं यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड में, तो एक होता है सेंट्रल से, एक होता है यूपी बोर्ड। तो यूपी बोर्ड में तो हिंदी करके समझ में आ जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, उसमें ये थोड़ी ना लिखा जाएगा कि वर्तमान अनिश्चित काल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट बता दिए जाएंगे, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हिंदी यूपी बोर्ड में लिखवाई जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, वो तो परिभाषा आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं लिखवाई जाती, क्योंकि वहाँ पे बात होती है सिर्फ इंग्लिश में ही टोटल। तो अब उसमें क्या होता है, बच्चों को एरर के फॉर्म में दिया जाता है। अब अगर बच्चे बेसिक नहीं समझेंगे, बेस नहीं समझेंगे, तो वो एरर कहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, अगर उससे पढ़ा हुआ हो तो वहाँ पे दोनों को समझ में आएगा। मैं इंग्लिश भी बताता चलूँगा, हिंदी भी बताता चलूँगा। तो आइए हम एग्जांपल से बात करते हैं इसका, कि आपका होता क्या है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल होता क्या है। तो एक मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे सोहन आने वाला है,
अब मैंने एक वाक्य लिखा है सोहन आने वाला है। अब यहाँ पे एक ऐसा निश्चितता दिखाई जा रही है कि सोहन आने वाला तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट किया गया, प्रदर्शित किया गया कि सोहन कब आने वाला है और कहाँ आने वाला है या कैसे आने वाला है, कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका ये वाक्य बन जाता है कि सोहन आने वाला है। अब सोहन कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ये नहीं डिफाइन यहाँ पे, तो इसे कहेंगे हम ये वर्तमान अनिश्चित काल में आपका ये वाक्य लिखा गया है। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे, पहले एक बात तो और समझ लो, यहाँ पे अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, जो आपने पढ़ा होगा, सुना तो होगा, पढ़ा तो होगा, रटा भी होगा, लेकिन अभी तक पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट मेनली होता क्या है। तो सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, यानी यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अगर मैं इनको हटा लूं, यानी आने वाला है, अगर मैं इसको यहाँ पे छुपा लूं, सोहन को आने वाला है, तो यहाँ पे कहाँ से आप निकाल के लाओगे, आने वाला, लेकिन कौन आने वाला है, तो जहाँ पे कौन आता है, जैसे पता चलता है हु, जहाँ पे कौन गायब है, तो कौन किसको दिखाता है, सब्जेक्ट को, कौन काम कर रहा है ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे सोहन को हटाने पे ये सारी चीजें अधूरी लगती हैं और सोहन को लाने पे ये पूरी लगती हैं। तो सोहन को यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, कर्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। तो सोहन आने वाला है, तो सोहन तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, इधर मैं इंग्लिश लिखता हूँ, इधर मैं हिंदी लिखता हूँ, सो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये कर्ता हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे वर्ब क्या होती है मेन, अब इसमें तो सारी नहीं आ पाएंगी, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम हो रहा है कि मेन वर्ब उसे कहते हैं जब हम उसको अगर इस सेंटेंस में से हटा लें तो वाक्य का भाव एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे सोहन आने वाला है, अब मैंने आने वाला को अगर बंद कर लिया तो सोहन है, अब सोहन कोई चीज है, तो सोहन तो है, लेकिन यहाँ पे बीच का ये सेंटेंस करने पे, हटाने पे कुछ वाक्य अधूरा सा लग रहा है और वाक्य का भाव अलग से चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे सोहन हो भी सकता है, ये क्या है आपका, ये आपका सजीव है, यानी ये चीजें आपकी लिविंग थिंग है, और यहाँ पे सोहन है, तो सोहन है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी यहाँ पे कुछ भी अगर इसको हटा दिया हमने, उसके बाद कह रहे हैं सोहन है, तो सोहन क्या है, वो सजीव है कि निर्जीव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सजीव या निर्जीव, तो कुछ भी हो सकता है, अगर निर्जीव हुआ तो सजीव कभी निर्जीव थोड़ी ना होता है, यहाँ पे अगर सजीव का सजीव से कंपेरिजन करेंगे तो वाक्य कहीं ना कहीं अधूरा दिखाई पड़ेगा आपको, सोहन है तो कुछ भी हो सकता है वो, तो ये आपका मुख्य क्रिया हो जाएगी। क्या कहेंगे इसे, इसे हम मेन वर्ब कहेंगे या कहेंगे मुख्य क्रिया कहेंगे, इसे मेन वर्ब कहेंगे। अब इतना समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ मैं आपको, तो सोहन आने वाला है ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि, और इसका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो सोहन आने वाला है, तो सोहन आपका सोहन का सोहन ही हो जाएगा, SOHAN सोहन, यानी यहाँ पे ए लगा दे सोहन और यहाँ पे कम्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते सोहन कल आने वाला है, सोहन कब आने वाला है, सोहन कहाँ आने वाला है, तैसे ही वो जैसे लगाते कब कहाँ और कैसे, तैसे ही आपका वो वाक्य जो है वो कैसा हो जाता, वो आपका इनडेफिनेट से डेफिनेट बन जाता है, क्योंकि पता चल गया हमें कल आने वाला है, कल वो कितने बजे आ सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये तो पता चल गया कल आएगा, वो कभी भी आ सकता है उस टाइम पे। यहाँ पे इतना हो गया, उसके बाद आगे और डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पे सेकेंड इसके बारे में और बता दें, सब्जेक्ट और ये जो आपका फॉर्मेशन होता है ये कैसे बनता है, तो इतना आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ। मैं मिटाने वाला हूँ इसे, अगर किसी ने नहीं उतारा होगा इसे, अगर उसको उतारने की जरूरत होगी तो वो वीडियो को पॉज कर लेगा, उसके बाद उतार लेगा इजीली। तो आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि ये लंबा है टेंस, थोड़ी इसमें अगर समझना है तो बेसिक से समझना होगा, तभी सारे पार्ट समझ में आएंगे। अभी मैं इसके भी आप एक आपको एरर वाला क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें पहचानने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, वो अच्छा भी लगेगा कि हाँ कैसे काम करते हैं चीज़ें। ऊपर मैं लिखा रहने देता हूँ कि टेंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा प्रेजेंट पास्ट, ये तो है, अभी हमने क्या पढ़ा कि मोहन कम्स या मोहन कम्स सोहन आने वाला है, मोहन का आने वाला है। उसके बाद फॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी आपको भी सब समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, काम करने वाला आएगा, जैसे
मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं नहीं होऊंगा तो पढ़ाएगा थोड़े ना भाई। यहाँ पे मैं क्या हूँ, काम करने वाला हूँ, तो आप मुझे कर्ता कह सकते हो। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं करने वाला हूँ, तो मैं कर्ता हो जाऊंगा यहाँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले वाक्य में कर्ता को ढूंढा जाएगा। अगर आपका सेंटेंस किसमें है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब ये इंग्लिश वालों के लिए तो ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे क्या वाक्य का गठन कह सकते हो इसे हिंदी में, क्या यहाँ लिख सकते हो वाक्य का गठन। अब इधर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगा, यानी मैं, अब जैसा मैंने वाक्य कहा आपसे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग हो गया, तो आई मैं सब्जेक्ट हो गया, करता हो गया। एम क्या लगा, आई के साथ एम लगता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं हम, तो वो वाक्य बाद में पढ़ाऊंगा मैं। आई एम एम, आई के बाद एम आपका यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो मेन वर्ब जरूर होगी, मेन वर्ब होगी, जिसको हटाने से वाक्य का यानी भाव क्या, अर्थ भाव सब चेंज हो जाता है, तो वही मेन वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना रही तो मेन वर्ब लगाएंगे, और मेन वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो मेन वर्ब रहती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को मैं ऐसे लिखता हूँ, अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो इसके बारे में यही समझ लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब वो होती है, नाम से यह स्पष्ट है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की हिंदी सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया जो क्रियाएं, यानी जो काम जो है करने में हमें सहायता करती हैं, उन्हें करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई, अब एम ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम किया, और टीचिंग क्या है, टीचिंग ने यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया। तो एम, तो आई, मैं, उसके बाद टीचिंग कहूँ तो मैं और टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब हूँ के वजह से यहाँ पे एम लगा हुआ है। तो मैं और टीचिंग को जोड़ने के लिए जिस क्रिया का या जिस वर्ड का यूज किया गया है उसे क्या कहेंगे, तो उसे ही कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रही है। और हेल्प मतलब क्या होता है कि किसी, आपने किसी की अगर मदद की तो क्या हुआ, उससे आप जुड़ गए, कहीं और मिलेगा तो उससे बोलचाल तो करोगे, पहचानोगे तो ही। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए है तो आएगी, अगर नहीं है तो क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये आपका सब्जेक्ट में आ गया जो करता है। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, उसके बाद आपका आईएनजी, अगर इज एम आर है तो आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ईएस की बात होगी, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे, अब वो जो मैंने बोला था वहां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आ गया, तो मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये मैंने बता दिया कि अगर मैं हटा दिया तो यहाँ पे भाई कौन पढ़ा रहा है भाई, तो कौन पढ़ा रहा है, तो कौन गायब ही है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट गायब है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं कर्ता का काम करेगा, करने वाले का काम करेगा, तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। और पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पे फिर मैंने पढ़ा रहा हटा दिया अगर मैंने, तो मैं हूँ, अब मैं हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं अगर सजीव की बात करेंगे तो मैं, तो चलो यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकते हैं, मैं शेर हूँ कह सकता हूँ, मैं शेर हूँ तो लिविंग की बात होगी। अगर मैंने वहीं पे कह दिया कि मैं टेबल कुर्सी हूँ तो वहाँ पे निर्जीव की बात हो गई, तो मैं शेर तो हो सकता हूँ भाई, अगर वो जानवरों में नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं, चलो मैंने बॉडी सॉडी बना ली तो मैं शेर बन सकता हूँ, लेकिन अभी बात की जाएगी टेबल हूँ तो टेबल तो कभी भी नहीं बन सकते आप, कि अब मतलब चार पैर बना के टेबल बन सकते हो तो उसमें थोड़ी ना जा सकते हो। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई, यहाँ पे इसको हटाने पे सेंटेंस का भाव चेंज हो रहा है, तो आपका यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो, और उसके बाद हूँ का क्या लग जाएगा, एम, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये यहाँ पे से हटाइए, यहाँ पे क्या है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब। अब यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे आई एम टीचिंग, ये आगे की बात है कि ये कहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, ये समझाने की बात मैंने कही है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो कहाँ से आई एनजी लगा, कहाँ से आई हेल्पिंग वर्ब आया, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा।
उसके बाद जैसे कोई दूसरा सेंटेंस लेता हूँ मैं, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मेन वर्ब हटाने पे क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे वह जो है, अगर मैं ले लूँ वहाँ पे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, यहाँ पे वह तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वह क्या है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वह खाना खा रहा है। अब यहाँ पे अगर खाना को हटा दिया जाए तो सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। खाना हटा दिया तो ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, जो खा रहे हैं, तो खाना हटा दिया तो वह खा रहा है, वो कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी खा रहा है, तो यहाँ पे वह खा रहा है तो खाना से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर खा हटा दिया हमने, यही आपका यहाँ पे देखो मेन वर्ब का काम ये करेगी, जो खा रहा है, अगर हमने इसको हटा दिया तो बोल के देखो सेंटेंस एक बार, वह खाना रहा है, तो वह खाना रहा है, इसका कहीं ना कहीं सेंटेंस का भाव बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। तो यहीं पे ये जो है ये मेन वर्ब का काम करेगा, क्या यानी खाना जो है वो खाना वाला, खाना नहीं जो ईटिंग वाला होता है, वो यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा। इसका जो फॉर्मेशन करेंगे हम, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही का वह का हो जाएगा ही, और ही रहा है में है तो यहाँ पे हो जाएगा इज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ही इज ईटिंग, खाने का क्या होता है ईटिंग, ही इज ईटिंग द फूड, ये दाना लगाओ, वहाँ पे डेफिनेट तो है नहीं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ही इज ईटिंग द फूड। अब यहाँ पे देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी ही और ईटिंग द फूड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईटिंग द फूड इधर एक वो सब सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसको जोड़ने का काम जो कर रहा है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पे एच भी है, एल भी है, एच से हो गया हेल्पिंग वर्ब और एल से हो गया लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम कल आगे इसका डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फिर नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कल से हम। ये तो अभी बस ओवरव्यू दिया था, बेसिक दिया था हमने। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। सो जय हिंद, वंदे मातरम।